बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में, मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रीवा की बड़ी खबर के साथ, जहां पर साने के स्कूल से छात्र लापता हो गया। रोहित सिंह नाम का छात्र लापता हुआ। 2 महीने की छुट्टी के बाद पहुंचा था स्कूल। परिजनों को मिली छात्र के लापता होने की जानकारी। साने के स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। बड़ी खबर रीवा से, जहां सैनिक स्कूल से छात्र लापता हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि सैनिक स्कूल से छात्र लापता हो जाता है, और जब इस बात की जानकारी सभी को लगती है तो ढूंढने की तमाम कोशिशें। रोहित सिंह नाम बताया जा रहा है, 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा था और अचानक से छात्र लापता हो जाता है। तो सैनिक स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। रीवा में सैनिक स्कूल से छात्र लापता हुआ, परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। रोहित सिंह नाम है इसका। 2 महीने की छुट्टी के बाद ये स्कूल पहुंचा था और अचानक से ये लापता हो चुका है। तो खबर रीवा से आपको बता रहे हैं। सैनिक स्कूल से छात्र के लापता होने पर परिजनों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। रोहित सिंह नाम बताया गया है। 2 महीने की छुट्टी के बाद ये स्कूल पहुंचा था। परिजनों को छात्र के लापता होने की जानकारी मिली। सैनिक स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाए गए। थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। अब छात्र कहां है इस बात की जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है, और अब तमाम एंगल जांच कर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिरकार सैनिक स्कूल पहुंचा छात्र अचानक से लापता कैसे हुआ, और अभी तक यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो स्कूल पहुंचा भी या नहीं पहुंचा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अब बताएं कि क्या छात्र स्कूल पहुंचा भी था, और क्या कुछ पूरी अपडेट इस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये रोहित सिंह नाम का छात्र है, जो 10वीं क्लास का छात्र है, और ये बोर्डिंग स्कूल सैनिक स्कूल है, वहां पे पढ़ता था। और 2 महीने की छुट्टी काट के ये कल दोपहर 1 बजे सैनिक स्कूल में उसके जो पिता है दिनेश सिंह, उन्होंने वहाँ के जो वार्डन होते हैं उनको सुपुर्द किया था, और इसके बाद वो घर वापस चले गए थे। लेकिन शाम को गणना के बाद वो छात्र सैनिक स्कूल में नहीं मिला, जिसपे हड़कम बच गया। परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस को भी सूचना दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अपहरण का मामला 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, और एक टीम गठित की गई है जो कि छात्र की तलाश में लगी हुई है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि 1 बजे के बाद छात्र स्कूल में के अंदर था, और इसके बाद अचानक कैसे लापता हुआ, इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। स्कूल प्रबंधन का क्या कुछ रिएक्शन इस पर शिवेंद्र? देखिए, स्कूल प्रबंधन कुछ भी कहने से मना कर रहा है, क्योंकि सैनिक स्कूल का मामला है, वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने है। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बहुत बड़ी लापरवाही, स्कूल प्रबंधन ने कुछ भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, चुप्पी साधे हुए है, और 1 बजे के बाद छात्र का कुछ पता नहीं चला। आज भोपाल में आयोजित हो रहे नव निर्वाचित सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एमपी विधानसभा ई विधानसभा होगी, और एमएलए रेस्ट हाउस को लेकर भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की मांग की थी। लिए अपने नई विधा के आधार पर अपने आधुनिक संसाधन के साथ विधानसभा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो आपने कहा है वो पूरा का पूरा, यही से मैं आपकी बात पूरी मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार आप जो प्रस्ताव देगी निश्चित रूप से हम उसके साथ रहेंगे। इसमें जो धनराशि लगेगी राज्य सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी साहब आपकी बात यही कहता हूँ। उसके अलावा भी एक आपने कहा कि MLA रेस्ट हाउस का, तो निश्चित रूप से MLA रेस्ट हाउस का भी नया प्रस्ताव दे करके ये सारे के सारे विधायक साथियों को उसकी सुविधा भी हम देने का प्रयास करेंगे।
इंदौर के महापौर पुष्प मित्र भार्गव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शहर में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने के लिए मॉल और रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों को आग्रह किया था। क्रिसमस पर सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री अभी भी लगे हुए हैं, उसको लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी इस राममय उत्सव में अकारण किसी ने असहयोग किया तो उसे इंदौर की जनता जवाब देना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि किसी को राम जी और राम के काम में आपत्ति होगी। कि सारे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और संस्थानों को हमने राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था। कहीं लोगों के मन में ये विषय था तो मेरा उनसे ये कहना है कि यदि 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। तो वहीं इंदौर महापौर पुष्प मित्र भार्गव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता अनिमूल खान सूरी ने राम मंदिर की प्रतिकृति ना लगाने पर सख्ती दिखाने की बात को मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि अपनी छोटी राजनीति के लिए संविधान का मखौल ना उड़ाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में राम मंदिर पर बयान दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राम मंदिर सभी का है और राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बीजेपी के पास राम मंदिर का पट्टा नहीं है। देखिए, सवाल क्या है? राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का, और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। तो वहीं राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर निर्माण में किसी को कोई एतराज नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी यह कार्य सभी मान्यता प्राप्त शंकराचार्य जी द्वारा रामालय न्यास के माध्यम से कराना चाहते थे, ना कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा। विश्व हिंदू परिषद RSS का संगठन है और उसका राजनीतिक संगठन बीजेपी है। क्या सनातन धर्म को पालन करने वाले हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य हैं या विश्व हिंदू परिषद RSS और बीजेपी है? जरा सोचिए। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने विवादित ट्वीट करते हुए सियासत को गर्मा दिया है। और चलिए अब आपको कुछ सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आप देख पाएंगे मौजूद हैं इस वक्त। और सभी लोग से मेरा निवेदन है कि वे आकर के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी एवं ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देखेंगे कि कई दिग्गज यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत किया जा रहा है, फूल माला पहनाकर उनके स्वागत में कतार में कई लोग खड़े हुए हैं। और सूरजपुर से ये लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां स्वागत वंदन अभिनंदन इस वक्त जोरों शोरों से किया जा रहा है,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, सेन जी, दिलीप साय जी, मोहर साय सिंह जी, राम प्रसाद सिदार जी, कुमार सिंह जी, धागर सिंह जी, आज सीएम पहुंचे हुए सूरजपुर, खैरवार जी, बिहारी खैरवार जी, रन साय खैरवार जी, जहां पर वे सभी को संबोधित करेंगे और इस महासम्मेलन में और भी कई बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं मंच पर। जो पूर्व सीएम हैं रमन सिंह वो भी मौके पर मौजूद हैं। तो सूरजपुर में सीएम विष्णुदेव साय बिंदिया समाज का महासम्मेलन चल रहा है जहां पर मौके पर मौजूद हैं। और अगली बड़ी खबर करूं करेंगे बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर में चला बुलडोजर, अक्षत यात्रा में खलल डालने वालों पर एक्शन लिया गया, जहां प्रशासन ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चलाया। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। सेमली गांव में प्रशासन ने ये कार्रवाई की है और इस दौरान बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें भी देखिए, मंदसौर में बुलडोजर चला, अक्षत यात्रा में खलल डालने वालों पर एक्शन लिया गया, प्रशासन ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर चला दिया, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो सेमली गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अक्षत यात्रा में खलल डालने वालों पर एक्शन लिया और उनकी जो दुकानें थी उस पर बुलडोजर चलाया गया। तो आरोपियों की 6 आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए दुकानों पर बुलडोजर चला। सेमली गांव का पूरा मामला, प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की और एक बार फिर से बुलडोजर ने जो दुकानें हैं उनको गिरा दिया। अक्षत यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने खलल डाली थी और उसमें जो पहचान किए गए आरोपी थे उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है। बात करेंगे जापान की, जहां जापान में फिर भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है तीव्रता। जी हां, एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान में फिर से भूकंप आया और भूकंप के तेज झटके यहां पर लोगों ने महसूस किए। रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता इसकी मापी गई है और इसका मतलब है कि बहुत तेज ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और बात शाजापुर की, जहां शाजापुर कीर्तन यात्रा में विवाद का मामला सामने आया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। IG, DIG, SP सहित पुलिस बल शहर में मौजूद है। तो खबर शाजापुर से है, कीर्तन यात्रा में विवाद का पूरा मामला और इस दौरान काफी विवाद हुआ। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 24 आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, जिनमें से 8 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। IG, DIG, SP सहित पुलिस बल शहर में मौजूद है। बाकी अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। पहचान कर ली गई है। काफी हंगामे के आसार बन गए थे कीर्तन यात्रा के दौरान और इस दौरान जो आरोपी पाए गए थे उनकी पहचान करके गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश। 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य बचे आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। शाजापुर में हिंदूवादी संगठनों की कीर्तन यात्रा के दौरान हुए विवाद के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है, लेकिन तमाम संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। यही वो इलाका है जहां पर विवाद हुआ था। इस समय आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरा इलाका मैं दिखाना चाहूंगा, बेहद सकरा और रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कुछ बैरिकेटिंग की गई है ताकि विवाद आगे ना बढ़े। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन रेंज के IG, उज्जैन संभाग के कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित तमाम जो लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाने में इस विवाद को लेकर 24 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जबकि कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। उनमें से फिलहाल 8 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुनील हंचूरिया, UJT, उत्तर प्रदेश, शाजापुर।